हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो वी आर बैक अगेन विद अप्रैल पार्ट टू ऑफ द पॉलिटिक करंट अफेयर्स एंड विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। तो हमारे आज के टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है? एक, इन्होंने ODR बनाया है। ODR मीन्स ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय नीति आयोग, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड इज दैट इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दे हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग एंड इसमें G7 की पार्टिसिपेशन हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी जो है बातचीत की थी। नेक्स्ट इज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ही विजिटेड इंडिया, तो इसके रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन एंड बाकी साइंस रिलेटेड हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ रायसेना डायलॉग के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पता रायसेना इज बेसिकली हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इंडिया इलेक्टेड टू 3 की UN ECOSOC बॉडीज, तो इंडिया की 3 इकोनॉमिकल सोशल बॉडीज जो UN की है उनमें इंडिया की पार्टिसिपेशन हो गई है, इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ इट। सो आज की फर्स्ट न्यूज क्या है? आज की फर्स्ट न्यूज है नीति द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो द नीति आयोग हैज प्लान्ड अ लॉन्च ऑफ न्यू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट जो भी किसी भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स है उनको जल्दी एंड एक्सपीडाइटली रिजॉल्व करने के लिए ये वाला स्टेप लिया गया है। इसमें क्या है, व्हाट इज ODR? ODR इज द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट मतलब कि कोर्ट में नहीं हो रहा है, ये कोर्ट से बाहर हो रहा है। पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केसेस, जिनकी वैल्यू स्मॉल या मीडियम में है और जिनमें आपस के बीच में नेगोशिएशन होके या किसी ने मीडिएट करा के या दोनों पार्टी में सुलह करा दी, जो है कॉम्प्रोमाइज करा दिया, या आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेशन मीन्स के किसी ने अपना डिसीजन दे दिया कि तुम ये कर लो और तुम ये कर लो, एंड जिससे दोनों पार्टीज कंटेंडेड हैं वो आपस में एक रेजोल्यूशन पे पहुंच जाती हैं। सो दैट इज व्हाई दे हैव कंडक्टेड ODR एंड दिस इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में नहीं हो रहा है, आउटसाइड द कोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज ODR रिलीजेज द नोशन दैट कोर्ट शुड बी अ सर्विस नॉट अ प्लेस। तो बेसिकली कोर्ट्स की सर्विस कहते हैं, कोर्ट्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरह से एक सर्विस है, वो एक जगह नहीं है कि हर जगह आप जाके वहीं पे डिस्प्यूट अपना जो है रिजॉल्व करो। द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द एक्सेस टू इंटरनेट एंड हैज प्लेड की रोल इन ODR। इसमें क्या, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है कि अगर आप कोई भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो इसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बैठ के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर मीन्स अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है, जैसे कोर्ट में कई बार होता है कि लोग 300-300 किलोमीटर दूर से आते हैं अपने कोर्ट केसेस में और कोर्ट केस नहीं लगता, या नॉर्मल डिस्प्यूट के लिए भी लोग आते हैं, तो उससे उनका टाइम वेस्टेज और मनी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अब ये ऑनलाइन ही पोर्टल कर दिया गया है। ODR प्ले अ की रोल इन अचीविंग आइडल इनश्राइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ऑब्वियसली अगर ये सबके लिए जस्टिस के ही काम कर रहा है, रेजोल्यूशन करा रहा है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी रिजॉल्व करने की तरफ काम कर रहा है। ODR ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय डिस्प्यूटेंट्स एज वेल एज द न्यूट्रल्स। तो जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको एक इमीडिएट कॉस्ट इफेक्टिव मोड है। ODR हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस लीगल कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग टाइम फॉर रेजोल्यूशन एंड बाय डूइंग अवे विद द नीड फॉर लीगल एडवाइस। तो बेसिकली मनी सेविंग में और इसमें क्या क्या एक्सेस है, एक तो इसमें अगर कई बार ये लोगों को महंगे वकील वगैरह करने पड़ते थे जो इनके नॉर्मल खर्चे आते हैं, कोर्ट फीस वगैरह, तो उसमें क्या है, अब ये जो ODR है इससे वो भी खर्चा इनका है, जो भी डिस्प्यूटेंट्स हैं या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसका कम हो जाएगा। ODR कैन एड्रेस डिलेज बाय प्रोवाइडिंग अ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ऑल्सो एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ट्रेवल एंड सिंक्रनाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स। तो बेसिकली सिंक्रनाइजेशन ऑफ शेड्यूल का है, जो ट्रैवल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अगर कहीं अगर ऑनलाइन आपका हो रहा है तो ट्रैवल का तो हो ही गया। सिंक्रनाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स क्या है कि अगर किसी बंदे ने भी सपोज 1 घंटे की आपकी कोई मीडिएशन में मीटिंग है, तो अगर किसी ने सपोज 200 किलोमीटर दूर से आना है तो उसके लिए 1 घंटा नहीं है, उसके लिए सारा दिन गया है। इसमें क्या है कि अगर सिंक्रनाइज करना है कि हाँ भाई इस टाइम पे आप अवेलेबल होना, इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, एंड वी विल डिस्कस और वी विल एड्रेस आर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट, नॉट इन द कोर्ट बट इन द ODR। तो इसलिए सबके लिए एक टाइम कन्वीनियंट भी हो गया, सिंक्रनाइजेशन भी शेड्यूल के लिए जो है सिंक्रनाइजेशन उनके बीच में एक टाइम जो होता है फिक्स करना वो भी ईजी हो गया है। इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। ODR टूल्स सच एज ऑनलाइन नेगोशिएशन एंड मीडिएशन आर प्रीमाइज्ड ऑन म्यूचुअली अराइविंग एट ऑन एग्रीमेंट, हैंस दे मेक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस लेस एडवर्सरियल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पार्टीज, विच इन टर्न इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। इसमें बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, बेसिकली फोकस कर रहे हैं मीडिएशन पे। मीडिएशन क्या होता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करके कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं कि हाँ अभी ठीक है, अभी अगर जैसे तुम इतने में राजी हो, हम इतने में राजी हैं, तो वाई शुड वी गो टू कोर्ट, हम आपस में म्यूचुअली ही अपना डिसीजन कर लेते हैं।
दिस वॉज ऑल अबाउट द ODR एंड इट इज रिलीज बाय नीति आयोग. नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग. तो इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ. ट्राइलेटरल मीन्स तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी. द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग वॉज हेल्ड इन लंडन. तो ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है लंडन में आफ्टर G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग. तो वहाँ पे ये G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसी के साथ साथ इन्होंने भी अपना डायलॉग कंडक्ट किया है. द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनका नाम आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर. एंड फ्रांस मिनिस्टर फॉर यूरोप कौन है, एंड फ्रांस के जो यूरोप के मिनिस्टर्स एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं जीन यूएस लीड्रायन. तो इसको जॉन यवी लॉड्राइन भी इसको, मतलब अगर आप फ्रेंच में प्रोनाउंस करोगे तो कुछ ऐसा ही, बट बीइंग इंडियन इसको जॉन यवेस लीड्राइन ही हम प्रोनाउंस करेंगे. एंड ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे इसमें, उनका नाम क्या था, मैरिस पेन. तो ये तीन लोगों ने बीच में मिलके ये मीटिंग हुई है, ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के बीच में. सो नेक्स्ट इज द फ्रांस एंड इंडिया ट्राइलेटरल लॉग मीट वॉज लॉन्च्ड इन सेप्टेम्बर 2020 एट फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल. तो पहले तो फॉरेन सेक्रेटरीज ये मीट करते थे, उसके बाद क्या होगा, ये अब नाउ इट हैज एस्केलेटेड टू मिनिस्ट्रियल लेवल. मतलब फॉरेन सेक्रेटरीज नहीं कर रहे हैं, मिनिस्टर ही ये मीटिंग कर रहे हैं, जो ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है. तो पहली सेप्टेम्बर 2020 में हुई थी, नेक्स्ट बीइंग इन अप्रैल 2021. तो यहाँ पे मिनिस्टर्स अब इसके बीच में इन्वॉल्व हो गए, एंड प्राइमरली दे आर वर्किंग इन थ्री एरियाज, मैरीटाइम सिक्योरिटी दैट इज रिलेटेड टू सी, एनवायरनमेंट की, एंड मल्टीलेटरलिज्म जिसमें गवर्नमेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं. दैट इज व्हाट, मोर देन थ्री गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व मल्टीलेटरलिज्म, तो उसमें भी ये काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर G7 कंट्रीज, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग होती है इसमें क्या है, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इज द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द G7 कंट्रीज आफ्टर द पेंडेमिक. पेंडेमिक तो वैसे खत्म हुआ नहीं है, इन द मिड ऑफ द पेंडेमिक कह लो, ठीक है. G7 कंट्रीज के मेंबर कौन कौन से हैं, ये आप मेंबर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो बेसिकली इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया वॉज स्टिल इन्वाइटेड. देन होस्ट नेशन UK इन्वाइटेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एशियान देश जो कंट्रीज हैं उनके भी उन्होंने उनके सेक्रेटरी जनरल को बुलाया था, ठीक है. सो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, जिनके साथ अभी हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई थी लंदन में, ही पेड अ विजिट टू इंडिया. मतलब जो फ्रेंच की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जो फ्रांस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनकी मीटिंग हमारी, वो इंडिया उन्होंने विजिट किया. इंडिया में उनके हमारे और फ्रांस के साथ काफ़ी फील्ड्स में डिस्कशन भी हुई है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. दैट फ्रेंच फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, ही होल्ड टॉक्स विद द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. तो ये इनकी आपस में ही मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया एंड फ्रांस रिलेटेड इश्यूज डिस्कस हुए. जिससे पहली न्यूज़ थी वो एक ट्राइलेटरल टॉक था, ये कौन सा है, बायलेटरल, मतलब दो कंट्रीज इन्वॉल्व है. द फ्रेंच फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स ऑन बायलेटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. तो इन दोनों के जो कंट्रीज, दोनों कंट्रीज का, इंडिया और फ्रांस का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसके बारे में इन्होंने बातें की हैं. अनदर की फोकस क्या था इनका मीटिंग का, दे डिस्कस्ड अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन. मतलब इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक जो रीजन है, वो वाला जो रीजन है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्होंने डिस्कशन की है. फ्रेंच मिनिस्टर फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जॉन वे ली ड्रॉइन अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 4-day ऑफिशियल विजिट ऑन April 12th. तो April 12th, 2021 को ये इनका जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये इंडिया आए थे, एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय डॉक्टर एस जयशंकर. तो इन्होंने इनको वेलकम किया था. नेक्स्ट इज, दिस इज द फर्स्ट हाई लेवल फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस आफ्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, सिंस द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक. तो COVID-19 के बाद इनकी फर्स्ट पर्सनल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन मीटिंग हुई है, नहीं तो उससे पहले वर्चुअल डायलॉग ही चल रहे थे. द की डिटेल्स क्या क्या है इसमें, द फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स ऑन बायलेटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज. सेकेंड क्या है, द टॉक्स ऑल्सो इन्वॉल्व डिस्कशन ऑफ ऑन म्यांमार, ईरान एंड अफगानिस्तान पीस प्रोसेस. तो म्यांमार में भी आपको पर चल रहा है कूप हो गया है वहाँ पे. अफगानिस्तान में भी पीस इश्यूज आपको पता है, ईरान भी किसी ना किसी तरीके इन्वॉल्व रहता ही है, तो उसके लिए रिलेटेड भी इन्होंने बात की. ईरान पे तो अभी सैंक्शंस भी काफ़ी US ने जो लगा रखे हैं उसके रिलेटेड भी काफ़ी पीक पे चल रहा है. एंड अनदर की फोकस ऑफ द डिस्कशन वॉज द इंडो पैसिफिक रीजन. ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व है इस रीजन में, तो इसके रिलेटेड भी इन्होंने डिस्कशन की है. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ट्वीटेड सेइंग ही हैड कंफर्टेबल सब्सटेंटिव एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन. तो इन्होंने बेसिकली एक तरीके से फ्रांस के जो
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको एक तरीके से इस मीटिंग को बड़ा फ्रूटफुल बताया है। नेक्स्ट इज जो इसरो एंड CNES है, जो वहाँ की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी, दे विल बी शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज ऑन इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन गगनयान। तो इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन भी आपको यहाँ याद कर लीजिएगा, इसका नाम है गगनयान। गगनयान इज शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड इन 2022 या 23 के बीच में, जैसे भी होगा ये लॉन्च होगा। एंड आफ्टर दिस मिशन द इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री आफ्टर कौन, रशिया, USA एंड चाइना। तो पहले रशिया ने भेजा, फिर US ने एंड फिर चाइना ने, तो अब फोर्थ कंट्री कौन सी है, फोर्थ कंट्री बनेगी इंडिया। नेक्स्ट इज सिक्स्थ रायसेना डायलॉग। तो लेट्स सी रायसेना डायलॉग क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके बीच में क्या डिस्कशन हुआ एंड इसका जो थीम क्या था वो क्या है इसका। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 2021 रायसेना डायलॉग थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। द डायलॉग इज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द एनुअल डायलॉग। तो ये एक उसका सिक्स्थ एडिशन है जो कि चला था हमारा अप्रैल 13 से अप्रैल 16 2021 तक, ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला था ड्यू टू कोरोना वायरस। रायसेना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइज एनुअली सिंस 2016। तो ये रायसेना डायलॉग है ये 2016 से हो रहा है एंड इसमें प्राइमरली जो हम अपना इंटरनेशनल जो हमारा ये फोरम बना दिया है इसमें हम प्राइमरली किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। सो 2021 का थीम क्या रहा था कॉन्फ्रेंस का, इसका नाम था हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियसली इस टाइम तो आउट ऑफ कंट्रोल ही है। The four-day dialogue is jointly organized by the Ministry of External Affairs and the think tank Observer Research Foundation. तो ORF के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है एंड इसके साथ जो काम कर रही है वो कर रही है MEA, ठीक है। The President of Rwanda Paul Kagame and President Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen they joined the inaugural session. तो ये लोग भी वहाँ मौजूद थे and they were the chief guests. तो ये दोनों नाम Minister of Rwanda and Minister of Denmark के आप याद कर लीजिएगा, Paul Kagame एंड मैटी फ्रेडरिकसन, ठीक है। तो नाम थोड़े से इनके आपको बताइए। एंड द इवेंट हैड अ टोटल ऑफ 50 सेशन जिसमें स्पीकर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एंड द रायसेना डायलॉग इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो 2016 से अब तक एक इंटरनेशनल लेवल पे इट हैज एस्केलेटेड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे लुक अप टू इट, मतलब काफी कंट्रीज इन्वॉल्व है तो उनको पता है कि हाँ रायसेना डायलॉग एक इंडिया कंडक्ट कराती है। इट ब्रिंग्स लीडिंग माइंड फ्रॉम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी टू डिस्कस ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज, जैसे कि हमने बात की कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में डिस्कस ये बेसिकली वर्क करता है, तो उसी के रिगार्डिंग जो फॉरेन पॉलिसी एंड बाकी इशू है उसको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू 3 की UN इकोसॉक बॉडीज। जो इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल जो UN की है उसमें इंडिया जो है उसमें 3 जो उसकी बॉडीज है उसमें इंडिया इलेक्ट हो चुका है। सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू 3 UN इकोसॉक बॉडीज, दैट इज एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ UN वुमेन, ठीक है, ये एक है, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस जिसको हम CCPC ये भी कहते हैं, ये सेकेंड है, एंड थर्ड कौन सी है, एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो तीनों जो इकोसॉक की जो बॉडीज है इसमें इंडिया इलेक्ट हो चुका है। इन अ मेजर अचीवमेंट ऑन अप्रैल 20th इट वाज इलेक्टेड टू 3 UN इकोसॉक बॉडीज, ठीक है। द न्यूज वाज शेयर्ड बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द UN। इन्होंने अपना ट्विटर पे शेयर किया था दैट इंडिया इन 3 प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो चुका है, इंडिया 3 बॉडीज में, इंडिया हैज नाउ बिकम द मेंबर। इंडिया इज द मेंबर ऑफ द UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो UN कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन में इंडिया 2021 से 2025 का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इज अ बॉडी ऑफ इकोसॉक, तो इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, व्हाट इज UN इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द UN। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। ऑब्वियसली जो सोशल इकोसॉक हम कहते हैं मतलब कि इसकी जो डायमेंशन है वो इकोनॉमिक एंड सोशल में ही है, ठीक है। एंड इट इज रिगार्ड्स द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, द 5 रीजनल कमीशन अंडर द ज्यूरिसडिक्शन एंड 8 फंक्शनल कमीशन। तो बेसिकली वेरियस जो इसके अंदर इसके इंस्टीट्यूशन है वो कवर होती है। इट ऑल्सो सर्व्स एज द सेंट्रल फोरम टू डिस्कस द इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन एड्रेस टू द मेंबर स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट सिस्टम। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करता है एंड उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी रिकमेंड होनी चाहिए वो भी इसमें डिस्कस होती है। सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल फॉर द डे।